हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज जो मार्केट चला है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मार्केट चला है। बैंक निफ्टी में आज मैंने यहां पे एक कॉल लिया था और एक पुट लिया था, बिल्कुल भी सक्सेसफुल रहा हमारा 25 पॉइंट्स का स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, आज मैं अभी पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी बताऊंगा कि मैं जो भी साइकोलॉजी बताता हूँ बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे किस तरह से ट्रेड बना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कल मैंने आपको क्या बोला था और उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है, मतलब हमारे लिए जो मंडे के क्या चांसेस हो सकते हैं, मंडे के लिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और इस तरीके से ज़्यादा अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको कोई साइकोलॉजी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जो भी मैं हर एक वीडियो में एक आपको आकृति निकाल के दिखाता हूँ साइकोलॉजी की, उसी हिसाब से देखिए मार्केट में होता है। और एक्चुअली वो मार्केट में होता है इसीलिए हम उसका डायग्राम निकालते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, जो मार्केट में होता है। और ये आपको भी समझ में आता है अगर आप हर रोज़ इस तरीके से चार्ट्स देखते और हर रोज़ उसका बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहाँ पे देखते कि एक्चुअली मार्केट में होता क्या है, हर रोज़ क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का आज का। देखिए, पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट को बढ़ाया गया, ठीक है, और इस लेवल के बाद फिर एक बार उसके इस लेवल तक लाया गया, जो मैं हर एक आपको आकृति में बताता हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले गए उसे, जैसे कि लोगों को लगा अब बढ़ेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक गैप अप बना दिया, ठीक है, आकृति में चार्ट के हिसाब से ही बना रहा हूँ। फिर उस गैप अप को टच कर दिया, ठीक है, और फिर एक बार यहाँ से ऊपर, बराबर ना, आप समझ रहे हैं किस तरह से हो रहा है। फिर इस गैप अप को तोड़ा, अब इस लेवल में भी आपको अगर आप यहाँ पे भी एंट्री कर लेते ना नीचे की तरफ, ठीक है, दूसरी एंट्री यहाँ पे भी कर लेते जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि आपको पहले से ही यहाँ पे देखिए 2 गैप अप मिले थे, ठीक है, यहाँ पे, और इसका जो लो तोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी एंट्री कर लेते तो 25 पॉइंट्स यहाँ पे आराम से बन ही जाते यहाँ पे, ठीक है। तो मैं और एक बार आपको ज़्यादा क्रिटिकल ना हो इसलिए और एक बार धीरे से समझाता हूँ सब पूरा बिल्कुल। देखें, ये पहले मैं सारे के सारे ड्राइंग्स निकाल दिया हूँ यहाँ पे। देखिए आज का मार्केट कैसे चला है, दिखाता हूँ। इस तरह से गया, बहुत नीचे आया, फिर ऊपर आया और फिर यहाँ पे हमारा जो पुलबैक है उस पुलबैक को तोड़ने के बाद यहाँ पे सेलिंग की रैली दिखाई दी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी एंट्री होती है जो पुल बैक के नीचे आने के बाद, तो इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। साइकोलॉजी लेवल जो एक्टिवेट होते हैं वो इसी लेवल पे होते हैं, ठीक है। जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब उसके बाद अब ये डायग्राम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं छोटा करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, छोटा करने के बाद आपको समझ में आएगा यहाँ पे। देखें, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, ठीक है। अब इस पुल बैक की लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक नीचे तक रह लिया गया। अब समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से मार्केट काम करता है। अब ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर कैसे जाएगा, तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ, मैं अब यहाँ पे सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, ठीक है। ऊपर जाना है यहाँ से, तो ऊपर कैसे जाएगा, तो ऐसे एकदम से थोड़ी नहीं जाएगा, और हम एकदम से जाने वाले ट्रेड में क्यों घुसेंगे, वो एक ट्रैप हो सकता है, समझ लीजिए। यहाँ पे आया, नीचे आपको डराया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, पुल बैक तैयार कर लिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, सीधा निकाल दो, यहाँ पे क्या हो गया, पुल बैक तैयार कर लिया। और यहाँ पे दूसरा पुल बैक भी है, तो हमें दूसरे पुल बैक के यहाँ से ही एंट्री लेनी थी, यहाँ पे आया तो हमने यहाँ ले लिया एंट्री यहाँ पे। देखें,
यहाँ से यहाँ तक हमारे 25 का 50 पॉइंट के ऊपर हो गए। अब यहाँ पे और भी उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे अगर उसे नीचे जाना था तो वो कैसे गया, देखिए यहाँ तक आया, यहाँ पे उसने फिर एक बार पुल बैक दिया, पहला पुल बैक यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, हो गए 25 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर के चला गया, अब यहाँ पे पुल बैक दिया। अब अगर उससे ऊपर जाना होता, ठीक है, फिर एक बार सारे ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए अब यहाँ से ऊपर चला गया और फिर यहाँ से पुल बैक दिया। अगर यहाँ से ऊपर जाना होता, ठीक है, इस लेवल को ऊपर जाना होता तो उसे इस लेवल को ब्रेक करना होता ना, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करना होता, लेकिन उसने ऐसा किया क्या? नहीं किया उसने ऐसा। तो फिर यहाँ पे एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए थी, ठीक है, पुट में एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए? तो जैसे ही पुल बैक मिला एंट्री लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पुल बैक हुआ, ठीक है, अब इस पुल बैक को इस बड़ी सी रेड कैंडल ने, देखिए कितनी बड़ी है, उसका वॉल्यूम भी देखिए आप कितना ज़्यादा है, तोड़ दिया। तो यहीं पे एंट्री ले ली हमने। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक आ, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे, कितना नीचे गया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो आपके लिए बेटर चांस था कि आप इस ट्रेड में एंट्री ही ना लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंट्री लोगे तो एक आधा दूसरा लॉस तो होगा ना, ठीक है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसे मार्केट में लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे बताई किस तरीके से काम करते हैं और हमारे एंट्री लेवल्स किस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट में चलेंगे, ठीक है, 15 मिनट में चलेंगे, 15 मिनट में देखिए 15 मिनट में जो 15 मिनट का हमने यहाँ पे निकाला था उसके हिसाब से भी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज का 15 मिनट का हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हाई और लो के बेसिस पे, ये हाई है ये लो है। अब मैंने कहाँ पे एंट्री ली ये मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट इसे ऊपर होने दिया, फिर सेकंड कैंडल ने हमारा हाई ब्रेक किया था यहाँ पे, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर इसने इसे ब्रेक किया है, ठीक है, और हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहीं पे रुका, वेट करता रहा, क्योंकि जब ये ऊपर चला गया था यहाँ पे मुझे थोड़े से साइन दिखाई दिए थे मार्केट नीचे आने के, ठीक है। जैसे ही इसने इसके अंदर एंट्री कर ली, 1 मिनट कैंडल मैंने देखा था, तो इसमें जैसे ही एंट्री कर ली, 1 मिनट में मैं समझा के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट में जाके ये दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने क्या किया, इस लेवल पे जैसे ही ये ऊपर चला गया, अब मैं रुका इसके लिए। देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, इसके नीचे जैसे ही वो आना शुरू हुआ मैंने तुरंत इसमें एंट्री ले ली, ऊपर ही ले ली एंट्री, क्योंकि अब जब आप एक्सपीरियंस आदमी बन जाते हो, इसमें आप हर रोज़ रहते हो बहुत देर के, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 25 पॉइंट्स अच्छी तरह से बने। तो फ्राइडे का मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमारे जो कॉल होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं फ्राइडे और मंडे के। ट्यूसडे को थोड़ा सा टेंशन रहता है, लेकिन वहाँ पे भी हो ही जाते हैं। देखिए दोस्तों आप ये हो गया आज के लिए, अब मैं कल के लिए पुल बैक के साथ बताऊँगा, क्योंकि आज अच्छे खासे पुल बैक यहाँ पे दिए हैं मार्केट ने और वो कल हमें काम को ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले सारे ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले तो हमें निकालना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट हमारा इस लेवल पे है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, और पुल बैक्स भी यहाँ पे निकालेंगे, पुल बैक्स का कलर भी चेंज करेंगे। पुल बैक हमारे लिए जो है वो ये एक पुल बैक रहेगा, ठीक है, ये एक पुल बैक हमारा लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक पुल बैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुल बैक्स के कलर जो है हम यहाँ पे रेड करेंगे पुल बैक के कलर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए कल भी सेम आज के जैसा ही हो सकता है मार्केट में। तो साइकोलॉजी लेवल दो तरह के मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कल शायद अगर मार्केट इस लेवल को बाइंग की तरफ ज़्यादा नहीं है मार्केट, देखिए अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू करेगा, ठीक है, अगर गैप अप नहीं हुआ या फिर गैप अप भी हो, पहली कंडीशन, थोड़ा बाय करेगा फिर नीचे आएगा,
ठीक है। अगर आप यहाँ से उसे जाना है, ऊपर जाना है, तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस पुल बैक को तोड़ेगा। ये पहली कंडीशन, ठीक है। अगर उसे इसी कंडीशन में नीचे जाना है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसे नीचे जाना है तो डायरेक्टली वो ऐसे पहले ऊपर की लाइन देगा, फिर नीचे देगा, फिर ऊपर देगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन इसी तरीके से होगा। अब ये पहली कंडीशन होगी कि पहले बाइंग देगा, ठीक है, पहले बाइंग देगा और उसके बाद। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मार्केट सेलिंग चालू करता है तो आपको तुरंत ही सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। सेलिंग के बाद जो ऊपर की रैली चालू होगी आपको उसमें तुरंत एंट्री लेनी होगी, तभी आपको साइकोलॉजी लेवल पे प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब उसे नीचे अगर आना है तो ये ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये एम पैटर्न बनाया गया। और अगर यहीं से ऊपर ही जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर इस पुल बैक को तोड़ेगा, एन पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी लेवल आप ध्यान में रखिए। और आपके लिए कल के लेवल्स जो मैंने बोले हैं, ऊपर के लिए 43,500 और नीचे के लेवल है 43,100 के। अगर मार्केट 43,100 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको नीचे बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है, गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। और अगर आपको ऊपर 43,500 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा ऊपर, तो भी ज़्यादा बाइंग की पावर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और जो ट्रेंड के बारे में मैंने बोला था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड जारी हो गया है, तो ठीक है दोस्तों, मार्केट में डाउन ट्रेंड जारी हो चुका ही है, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब सिर्फ मंडे के लिए एक इंतज़ार करेंगे। अगर मंडे थोड़ा सा हम हमारे जो लेवल्स है डाउन ट्रेंड के 43,600 के पास ही, अभी भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, 42,500 के नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर वो मंडे को नीचे आता है उसके लेवल के, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्टली नीचे की रैली चालू होगी, जो कि वो आपको 41,000 टू 41,500 तक नीचे तक लेकर जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आप सभी से एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इस जानकारी का इस्तेमाल करके कल मार्केट मंडे को मार्केट में सोचिए कि किस तरह से ट्रेड लेना है। तो आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।